रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी क्या? ये देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन जी, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये देखिए। कंसीडर अ रिलेशन, कंसीडर अ रिलेशन कंसीडर अ रिलेशन आर इन ए सेट ए इफ एंड ओनली इफ if and only if R is reflective symmetric as well as transitive then R is called as equivalent relation, equivalent relation, ठीक है जी, equivalent relation। अदरवाइज क्या होगा? रिफ्लेक्शन रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। यानी किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तभी जाके वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है जी। अब देखिए ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड फर्स्ट रिफ्लेक्टिव कहलाएगा। कैसे जी, कैसे चेक करेंगे रिफ्लेक्टिव है? इफ ए कमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अगर एवरी ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम कैसे चेक करेंगे सिमेट्रिक? ये देखिए सिमेट्रिक, इफ ए वन कमा ए टू बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए टू कमा ए वन belongs to R for all A1 comma A2 is the element of R, ठीक है, is R, sorry A, A1 comma A2 किससे belong होना चाहिए? A से belong करना चाहिए, ठीक है। अगर A1 comma A2 belongs to R है, implies that A2 comma A1 also belong to R for all A1 comma A2 is the element of A. थर्ड देखिए, थर्ड में है ट्रांजिटिव में देखिए कि if A1 comma A2 belongs to R and A2 comma A3 belongs to R implies that A1 comma A3 belongs to R for all A1 comma A2 comma A3 belongs to R, ऐसा होना चाहिए। इज द एलिमेंट ऑफ
इज द एलिमेंट ऑफ आर, ये एलिमेंट्स ऑफ ए होना चाहिए, ठीक है जी। ए वन कमा ए टू क्या होना चाहिए, ए वन कमा ए टू, ए थ्री किसके एलिमेंट होना चाहिए, ए के एलिमेंट होना चाहिए। बात समझ में आई जी, हेलो बात समझ में आई, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे चेक करेंगे ये देखने का तरीका है जी। ये अब देखिए, ये क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, उस रिलेशन को रिफ्लेक्टिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है जी। रिफ्लेक्टिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि क्या है ये, ठीक है, रिफ्लेक्टिव है कि ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक है, ठीक है, ये हम देखते हैं। एक क्वेश्चन थे, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड लेट आर वन इज इक्वल टू 1, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 2, 1, ठीक है, 2, 2, 2, 1 एंड 3, 3, ठीक है। आर टू इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, आर टू इज इक्वल टू 2, 2, 3, 1 एंड 1, 3 एंड R3 इज इक्वल टू 1, 3, 3, 3 दिस। चेक ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन R1, R2 एंड R3, ठीक है जी। चेक फॉर इक्विवेलेंस, चेक फॉर इक्विवेलेंस R1, R2 एंड R3। हमें यहाँ पे चेक करना है कि R1, R2, R3 इक्विवेलेंट है या नहीं, ठीक है जी। A इज इक्वल टू हमारा क्या गिवन है, एक सेट 1, 2, 3 है, R1 इज इक्वल टू 1, 1, 3, 3, 1, हमें बताना है कि R1, R2, R3 इक्विवेलेंट है कि नहीं, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, फर्स्ट R1 हमने लिया, R1 इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 3, 3, ठीक है, 3, 3 है। वेयर ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1, 2, 3। अब देखिए रिफ्लेक्सिव देखते हैं, R1 इज रिफ्लेक्टिव, तो रिफ्लेक्टिव हम चेक कर रहे हैं, कैसे चेक करेंगे, REF रिफ्लेक्टिव, तो रिफ्लेक्टिव एज 1, 1, ठीक है, बिलोंग्स टू R1 है, राइट है, तो 2, 2 बिलोंग्स टू R1, राइट है, एंड 3, 3 बिलोंग्स टू R1, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, R1 क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 ये तो है ही, साथ में और भी एलिमेंट है तो वो रिफ्लेक्टिव होगा। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक के लिए एज, अब देखिए 1, 1, अब देखिए 1, 3 है यहाँ पे, पहले हम 2, 1 है तो 1, 2 होना चाहिए, तो एज 2, 1 बिलोंग्स टू R1 बट 1, 2 नॉट बिलोंग्स टू R1 जी, ठीक है, 1, 2 नॉट बिलोंग टू R1, 1, 2 R1 से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हैंथ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का, ठीक है जी। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव में एज, अब देखिए ट्रांजिटिव में यहाँ पे देखिए एज 2, 1 है जी, 2, 1 है यहाँ पे,
टू कमा वन बिलोंग्स टू आर वन, तो टू कमा वन है तो यहाँ पे वन कमा टू, ये देखिए टू कमा वन है तो ये देखिए टू, तो टू कमा वन है, टू कमा वन बिलोंग्स टू है, टू कमा वन बिलोंग्स टू आर वन, बट वन कमा टू नॉट बिलोंग्स टू आर वन जी, क्योंकि ये देखिए यहाँ से देखिए अगर टू कमा वन यहाँ पे है और वन कमा टू है तो टू से कैंसिल हो गया तो टू कमा वन है। अब देखिए यहाँ से देखिए टू कमा वन है, ये वन कमा टू है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो वन कमा टू भी हमारा होना चाहिए। तो ये देखिए एक मिनट, टू कमा वन यहाँ पे बिलोंग टू आर वन है, राइट है, एंड वन कमा थ्री, वन कमा थ्री ये देखिए वन कमा थ्री बिलोंग टू आर वन है, राइट है, बट ये देखिए यहाँ से देखिए टू कमा वन, ये देखिए टू कमा वन है और कहाँ से ये थ्री वन कमा वन बिलोंग कर रहा है, ये देखिए टू कमा वन थ्री कमा थ्री है, कौन सा नहीं है ये मैं देखना चाहता हूँ। अब देखिए टू कमा वन है और वन कमा थ्री है तो वन से वन कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, ये देखिए वन से वन, ये वन से वन कैंसिल हो गया, होगा तो टू कमा थ्री नॉट बिलोंग टू आर वन, टू कमा थ्री नॉट बिलोंग टू आर वन, ठीक है, सो नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, सो नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, बात समझ में आई जी। देखिए यहाँ पे टू कमा वन है, ये टू कमा वन है और यहाँ पे क्या वन कमा थ्री है तो ये कैंसिल हो गया तो टू कमा थ्री होना चाहिए ना, तो ये टू कमा थ्री नहीं है, सो आर वन इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है जी। तो यही तो आर आप इससे क्या पता चल गया कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं है, क्या है इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं है, बात समझ में आई जी, बात समझ में आई। अब आर टू चेक करते हैं, ठीक है जी, आर टू चेक करते हैं, आर टू में क्या गिवन है, आर टू इज इक्वल टू गिवन है, ये देखिए टू कमा टू एंड थ्री कमा वन एंड वन कमा थ्री, यही देखे ना, देखिए यही गिवन है, आर टू टू कमा टू थ्री कमा वन वन कमा थ्री। अब इसे हमें बताना है कि ये जो है सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, रिफ्लेक्टिव है कि नहीं। अब देखिए ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू वन कमा टू कमा थ्री है तो रिफ्लेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए जी, वन कमा वन ए कमा ए होना चाहिए, तो रिफ्लेक्टिव यहाँ देखिए वन कमा वन नॉट बिलोंग टू आर वन एंड थ्री कमा थ्री ऑल्सो नॉट बिलोंग टू आर वन, देखिए थ्री कमा थ्री नॉट बिलोंग टू आर वन, सो नॉट रिफ्लेक्टिव, ये रिफ्लेक्टिव नहीं है, बात समझ में आई। सिमेट्री की बात करते हैं, सिमेट्रिक देखिए टू कमा वन कमा थ्री कमा वन है, वन कमा थ्री है ये सिमेट्रिक है, तो देखिए यहाँ पे टू कमा टू तो है ही बिलोंग टू आर वन है, कोई दिक्कत नहीं है, थ्री कमा वन बिलोंग टू आर वन है एंड ऑल्सो वन कमा थ्री बिलोंग टू आर वन है, सो इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव की अब देखिए टू कमा टू है, वन कमा थ्री, देखिए थ्री कमा वन बिलोंग टू आर वन एंड वन कमा थ्री बिलोंग टू आर वन, बट थ्री कमा थ्री नॉट बिलोंग टू आर वन, थ्री कमा थ्री नॉट बिलोंग टू, सॉरी आर वन नहीं जी आर टू है जी, सब यहाँ आर टू है, ये आर टू है जी, नॉट बिलोंग टू आर टू, तो आर टू से ये बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है जी, आर टू थ्री कमा थ्री जो है आर टू से बिलोंग नहीं कर रहा है, सो नॉट ट्रांजिटिव, सो नॉट ट्रांजिटिव। आर थ्री की बात करते हैं, ये देखिए आर थ्री, ठीक
ठीक है जी। आर थ्री में क्या है, वन कमा थ्री एंड थ्री कमा थ्री, वन कमा थ्री। नेक्स्ट पेज पे करते हैं जी। आर थ्री इज इक्वल टू गिवेन है वन कमा थ्री एंड थ्री कमा थ्री, ठीक है। तो यहां पे देखिए वन कमा थ्री, तो पहले हम बात करते हैं ए इज इक्वल टू क्या गिवेन है, वन कमा टू कमा थ्री, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या गिवेन है, ठीक है। अब देखिए ए इज इक्वल टू वन कमा टू कमा थ्री है, आर थ्री इज इक्वल टू वन कमा थ्री, थ्री कमा थ्री है। तो रिफ्लेक्टिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्टिव में हमारा क्या होना चाहिए, वन कमा वन नॉट बिलोंग टू आर थ्री, टू कमा टू नॉट बिलोंग टू आर थ्री, ठीक है, नॉट बिलोंग है यहाँ पे, और थ्री कमा थ्री तो है, ठीक है। तो वन कमा थ्री और टू कमा टू नॉट बिलोंग टू आर थ्री, सो नॉट रिफ्लेक्टिव। क्या है, रिफ्लेक्टिव नहीं है, बात समझ में आई। आप सिमेट्रिक की बात करते हैं जी, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में देखिए वन कमा थ्री है, वन कमा थ्री बिलोंग टू आर थ्री, बट थ्री कमा वन नॉट बिलोंग टू आर थ्री, सो नॉट सिमेट्रिक, सो नॉट सिमेट्रिक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव देखिए वन कमा थ्री है एंड थ्री कमा थ्री है, देखिए वन कमा थ्री बिलोंग टू आर थ्री एंड थ्री कमा थ्री बिलोंग टू आर थ्री, ठीक है। तो थ्री से थ्री कैंसिल हो गया एंड ऑल्सो वन कमा थ्री बिलोंग टू आर थ्री, सो दिस इज ट्रांजिटिव, सो दिस इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। हाँ जी, बात समझ में आई, हेलो सर। हाँ जी बोलो। हाँ जी, ट्रांजिटिव कैसे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, वन कमा थ्री है एंड थ्री कमा थ्री है, तो देखिए वन कमा थ्री है एंड थ्री कमा थ्री है, तो इन दोनों में से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए, तो थ्री कमा से थ्री कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिलना चाहिए, वन कमा थ्री, वन कमा थ्री मिल रहा है ना, ठीक है। इसीलिए तो ये क्वेश्चन समझ में आया जी, ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो और भी, हाँ जी बोलो, जो रिफ्लेक्स ऊपर वाला है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का, हाँ जी, वो भी एक बार बता दो। देखिए रिफ्लेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, वन कमा वन ए कमा ए होना चाहिए ना, ए कमा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए कमा ए है, ए इक्वल टू वन कमा टू कमा थ्री है, तो वन कमा वन है इसमें नहीं है, थ्री कमा थ्री है नहीं है, टू कमा टू है, वन कमा वन एंड टू कमा थ्री इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्टिव नहीं है। बात समझ में आई, हेलो, ठीक है। सिमेट्रिक में देखो यहाँ पे टू कमा टू है, यहाँ पे थ्री कमा वन है, तो वन कमा थ्री है, तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है। थ्री कमा वन का क्या होता है, वन कमा थ्री, हाँ तो सिमेट्रिक है, ओके सर। हाँ जी, और भी क्वेश्चन करें, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, छोटा ही क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि लेट ए इज इक्वल टू, लेट ए इज इक्वल टू वन कमा टू कमा थ्री एंड आर इज इक्वल टू वन कमा टू वन कमा वन, ठीक है, टू कमा थ्री, बी बी ए रिलेशन, बी ए रिलेशन ऑन ए, बी ए रिलेशन ऑन ए, व्हाट मिनिमम
what minimum number of ordered pairs may be added to R so that it may become a transitive. Become a transitive relation on A. हाँ जी बताएं कैसे करेंगे जी. ठीक है यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड आर इज इक्वल टू दिस 1, 2, 1, 2, 3 बी ए रिलेशन ऑन ए. ए में एक रिलेशन है. व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मे बी एडेड टू आर, इसमें हम कौन सा ऑर्डर पेयर एड करें सो डेट में बिकम अ ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाए. ठीक है जी. तो देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या गिवन है 1, 2, 3 एंड r इज इक्वल टू क्या गिवन है 1, 2, 1, 2, 3 और हमें ट्रांजिटिव होने बनाना है. तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव तो देखिए 1, 2 है तो यहाँ पे देखिए 1, 2 belongs to R and 2, यहाँ देखिए साथ में क्या है 2, 3 है तो हमें क्या करना and 2, 3 also belong to R. तो 2 से 2 कैंसिल होगा then सर 1, 3 होना चाहिए. हाँ 1, 3 इसमें चाहिए तो 1, 3 for transitive. ठीक है also should belong to R होना चाहिए ना, belong to R also, ये हमारा टर्म होना चाहिए तब जाके ट्रांजिटिव हो गया. अब देखिए दूसरा ये 1, 2 और 1, 1 ये टर्म हमें ऐड करना पड़ेगा. तो क्या ऐड करना पड़ेगा, सो 1, 3 एडेड टू बिकम ट्रांजिटिव. ठीक है तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए 1, 3 प्रेजेंट होना चाहिए. अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा. तो आर की अब क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2, 1, 1 ठीक है 2, 3 एंड 1, 3 न्यू ये दिन वार हो गया. कोई दिक्कत है इसमें किसी को. हेलो सर एक क्वेश्चन और करते हैं. ऐड करेंगे सर क्या सर 2, 1 भी सर ऐड करेंगे सर. नहीं नहीं 2, 1 कैसे ऐड करेंगे, देखिए 1 देखिए 1, 1 तो एज इट इज है. अब आपके पास यही एक टर्म है ना, ये टर्म इन्हीं दोनों टर्म को हम लोग लेंगे इसी को चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं. तो 1, 2 एंड 2, 3 ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या होना चाहिए 1, 3 होना चाहिए ना यहाँ पे. हेलो तो 1, 3 यहाँ पे नहीं है इसमें तो हमने 1, 3 क्या किया ऐड कर दिया. सर ऐसे ही सर 1, 2 और 1, 1 में से सर 2, 1 आ जाएगा. अरे तो 1, 2 और 1, 1 में कैसे करेंगे, ये लास्ट वाला टर्म कैंसिल करते ना. देखो a, b, b, c देन c, a ऐसा होता है ना. तो ये जब सेम ही नहीं है तो फिर ये कहाँ से आएगा, बात आई समझ में. 1, 1 तो एज इट इज अपने में है ही वो. ठीक है हाँ जी देखें वन मोर क्वेश्चन जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिवन द रिलेशन
गिवन द रिलेशन आर इज इक्वल टू वन कमा वन सॉरी वन कमा टू वन कमा टू टू कमा थ्री ऑन द सेट ऑन द सेट ए इज इक्वल टू वन कमा टू कमा थ्री एट अ मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर ऑर्डर पेयर्स सो डेट द एनलार्ज एनलार्ज रिलेशन asymmetric transitive and reflective. ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. बोले गिवेन द रिलेशन आर इज इक्वल टू वन कमा टू एंड टू कमा थ्री ऑन द सेट ए कमा वन कमा टू कमा थ्री एड अ मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर so that the enlarged relation is symmetric, transitive and reflective. ठीक है, इसे हम transitive भी बनाना है, symmetric भी बनाना है और reflective भी बनाना है. ठीक है जी, देखें यहाँ पे तो a is equal to क्या given है, वन कमा टू कमा थ्री दिया हुआ, और r is equal to क्या given है, वन कमा टू एंड टू कमा थ्री. अब देखिए reflective के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, देखिए वन कमा वन टू कमा टू एंड थ्री कमा थ्री होना ही चाहिए. तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको किससे बिलोंग होना चाहिए, इसको आर से बिलोंग करना चाहिए, शुड बी बिलोंग टू आर, यानी इतना हम इसमें ऐड करेंगे. बात आई समझ में, तब जाके क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा ना. वन कमा टू टू कमा थ्री को हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है तो क्या होना चाहिए, वन कमा वन टू कमा टू एंड थ्री कमा थ्री होना ही चाहिए. बात समझ में आई जी, हेलो. ठीक है, ये ऐड होना चाहिए उसमें. ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए. सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे क्या है, वन कमा टू है. हाँ जी सर, रिफ्लेक्सिव में जो ऊपर आर वाले है 1.2 और 2.3 वो भी इसके साथ ही रहेंगे ना. हाँ उसके साथ रहेंगे, मतलब इस रिलेशन में इतना हम ऐड करेंगे तब जाके रिफ्लेक्टिव होगा. ठीक है, ये रिलेशन हमें तो दिया गया कि ये है, इसको हमें क्या बनाना है, रिफ्लेक्टिव. तो रिफ्लेक्टिव और एक रीजन ये है, तो ए में ये दिया हुआ तो उसके अनुसार रिफ्लेक्टिव में ये वाले टर्म होने चाहिए ना फॉर रिफ्लेक्टिव, तो हमने इतना ऐड करेंगे इसमें. बात आई समझ में. अब देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, वन कमा टू गिवन है तो हमें सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, एज वन कमा टू बिलोंग्स टू आर देन ऑल्सो टू कमा वन बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ना, टू कमा वन ऑल्सो बिलोंग टू आर होना चाहिए और सिमेट्रिक. ठीक है, अब देखिए टू कमा थ्री बिलोंग्स टू आर है तो also then also 3.2 also belong to R होना चाहिए, यानी ये दो टर्म और इसमें ऐड होंगे तब जाके ये सिमेट्रिक होगा. बात समझ में आई, हेलो. यस सर. अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का, यहीं पे कर दें ट्रांजिटिव की बात कर देते हैं यहाँ पे. ट्रांजिटिव ये देखिए, ट्रांजिटिव में 1.2 है और 2.3 है, तो 1.2 है एंड 2.3 है, तो एक टर्म इसको अगर ट्रांजिटिव हमें बनाना है, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 1.3 ऑल्सो बिलोंग टू आर होना चाहिए. बात आई समझ में जी, 1.2 ऑल्सो बिलोंग टू आर होना चाहिए तब जाके क्या होगा, ट्रांजिटिव होना चाहिए. इसमें कौन सा टर्म यहाँ पे ऐड होगा, 1.3.
तो 1.3 ऑल्सो बिलोंग टू आर। अब देखिए, अब सबको ऐड करते हैं। अब देखिए ओवरऑल हमारे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 1.3 जब ऐड करेंगे तो इसमें 3.1 भी ऐड होना चाहिए ना जी, हेलो। अब देखिए, अब हम पहले आर टू बी रिफ्लेक्टिव एंड सिमेट्रिक, पहले इन दोनों से हम आर को, इन दोनों के हेल्प से हम आर बनाते हैं। इन दोनों के हेल्प से आर बनेगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के हेल्प से आर बनेगा तो क्या हो जाएगा, 1.1, 2.2, 3.3 एंड क्या हो गया 1.2, तो 2.1 एंड 2.3 एंड 3.2, ये हमारा आर हो गया इन दोनों के हेल्प से। अब ट्रांजिटिव के हेल्प से हमें बनाना है आर, तो देखिए 1.3 यहाँ पे है तो इसमें 1.3 नहीं है तो 3.1 होना चाहिए ना, यहाँ पे होना चाहिए ना, तो उसे भी also added 3.1। तो ओवरऑल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.1, 2.2, 3.3, 1.2, 2.1, 2.3, 3.2, 1.3 एंड 3.1, ये जाके अब आर की ये वैल्यू हुई। जो अब ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिव भी होगा, आर इज रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंट। आर इज क्या हो जाएगा, अब इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, आर इज इक्विवेलेंट। ठीक है, सो आर इज इक्विवेलेंट। अब जाके आर क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि ये क्या होगा, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्टिव भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। ये जो वैल्यू हमारी अभी मिली, ये आर की, ये दिस आर इज इक्विवेलेंट बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्टिव। हाँ जी, बात समझ में आई, हेलो अनमोलक, हेलो सर। हाँ जी, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 6 नंबर में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन यही दिया था, इसको हमने सिमेट्रिक बनाया, फिर ट्रांजिटिव बनाया, फिर रिफ्लेक्टिव बनाया और फिर इन दोनों के हेल्प से बनाया, फिर लास्ट में ये हमने आंसर लिखा जी। कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को? सर, सर क्लास में तो दो जनी है सर। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, क्लास में।